हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस एंड नमस्ते फ्रॉम उत्तराखंड। और आज एक बार फिर से पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं अपने दिवाली की कुछ यादें। दिवाली यानी कि अमावस्या के दिन हमारे उत्तराखंड में एक प्रथा होती है कि यहाँ पर हम गाय और बैलों की पूजा करते हैं, और इसका एक प्रोसेस रहता है, वो मैं अभी आपको समझा के चलूँगा वीडियो के माध्यम से। और आज ही के दिन यानी कि अमावस्या के दिन हम अपने बैलों को पींडा खिलाते हैं ना। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पर थोड़ा बिजी शेड्यूल था और मैं वीडियो शूट कर लिया था मैंने, लेकिन एडिट नहीं कर पाया था, जिस कारण से थोड़ा आई एम सॉरी कि अपलोड थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो। लेकिन आज ही के दिन यानी कि इगास के दिन आज मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ तो दोस्तों, दिन के बज चुके हैं एक और हम बना रहे हैं अपने बैलों और गायों के लिए पींडा। तो सबसे पहले का बताया जाता है कि खाना खाने से पहले हम अपने बैलों को ये पींडा खिलाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले पींडा बना लेते हैं। एक परात में हम झंगोरे का आटा लेंगे और उसमें कुछ गेहूँ का आटा भी होता है, तो मिक्स करके हम इसे बनाते हैं ना। और इसे सेम लाइक जैसे आटा गूंदा जाता है, सेम उसी तरीके से गूंदा जाता है। और फिर धीरे धीरे हम इसके डिंडे बनाएंगे, ठीक है। ढिंडे वो होते हैं जो बॉल की तरह बनाते हैं हम, और फिर उन्हें अपने गायों को खिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनके ढिंडे तैयार कर लेते हैं, और उससे पहले हमें इसको अच्छे से गोंदना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हाँ तो दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से गोंद चुके हैं और अब हम इसके बनाएंगे ढिंडे ढिंडे, है ना। तो ये हम कितने बनाएंगे ये निर्भर करता है कि हमारे बैल कितने हैं, हमारे गांव में कितने लोग हैं, क्योंकि ये गांव में भी बांटा जाता है सबको, जिन जिनके गाय होते हैं बैल होते हैं, है ना। तो इसके ढिंडे बनाए जाते हैं और सबको एक एक या दो दो बांटे जाते हैं गाँव में। दिवाली के दिन ये प्रथा होती है हमारे गढ़वाल में कि ये सबको बांटा जाए, तो इसलिए इसे बांटा जाता है। और फिर इसी तरीके से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फूल भी सजाए जाते हैं। फूल तो इस टाइम पे थे नहीं अच्छे से हरे भरे, तो जैसे भी फूल थे मैंने इकट्ठा किए और इनके ऊपर इस तरीके से सजाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हम सारे डिंडों के ऊपर जो ये गोले हैं उन सब के ऊपर अच्छे से फूल लगाएंगे, और उसके बाद फिर इस पे एक धूप भी जलाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि इसमें धूप भी जलाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए पहले इस काम को अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं। और कुछ फिर इस तरीके से हम अपने सारे जो बॉल है ढिंडे हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे और एक परात में रख के उसमें फिटाई और एक कटोरे में तेल भी रखेंगे, ताकि तेल भी हम गायों को देते हैं और एक साथ में धूप भी जलाएंगे, है ना। तो चलिए पहले धूप भी जला लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने गौशाला में। तो चलिए जल्दी से धूप जला लेते हैं। कुछ इस तरीके से धूप को भी हम रख देंगे उसी परात में जिसमें हमने फिटाई और एक तेल का कटोरा रखा है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने गौशाला में। तो मैं धीरे धीरे अपने गौशाला में जा रहा हूँ, और दिन के बज चुके हैं डेढ़, और अब हम खिलाएंगे अपने गाय और बैलों को पींडा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज कहते हैं कि गाय मारने भी आते हैं, जो गाय और बैल होते हैं ना हमारे, वो हमें मारने भी आते हैं। और ये मैंने पानी भी लिया है और उन्हें पानी भी छिड़का जाता है हल्का सा। तो चलिए मिलते हैं अपने छन्नी में। तो दोस्तों, मैं अपने गौशाला में पहुंच चुका हूं, और अब मैं सबसे पहले अपने गाय का इंट्रोडक्शन कराता हूं, ठीक है। ये है हीरा एंड ये है मोती। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था। और ये है हमारी गौ माता और ये है उसका बछड़ा,
है ना। तो सबसे पहले हम उन्हें टीका लगाएंगे। और इस तरीके से कुछ पेड़ा भी खिलाएंगे उनको साथ साथ में। नहीं नहीं टीका तो बाद में लगाया जाता है, पहले उन्हें पेड़ा खिलाया जाता है ना। तो पहले हम इन्हें पेड़ा खिलाएंगे। और आज बताया जाता है कि ये मारने भी आते हैं, तो ठीक है इसी अंदाज में मारने भी आ रहे हैं हल्का हल्का। खैर मैं तो उसके सामने जाऊँगा नहीं, क्योंकि क्या पता यार मार भी दे, है ना। और पहले उन्हें पेड़ा खिला लेते हैं सारा, फिर उसके बाद हम उनमें तेल लगाएंगे उनके सिंगों पे, और उनको पानी भी छिड़केंगे, है ना। पिटाई भी लगाते हैं बाद में, और पहले अच्छी तरीके से इनको पिंडा खिला देते हैं। जितने भी हैं सबको बराबर बांटा जाता है, किसी को कम नहीं दिया जाता है। और ये है हमारा बछड़ा, ये भी कुछ आज मारने के लिए तैयार हैं, इसलिए इसके सामने नहीं जाऊंगा। और फिर पकोड़े भी रखे होते हैं हमने उसी परात में, और पकोड़े भी देंगे भाई इनको, आज तो इनके ठाट हैं, है ना। और कुछ सबको बांटेंगे हम पकोड़े। और उसके बाद अब जो बारी आती है, अब हम देखेंगे कि हम इनके फिटाई लगाएंगे, है ना। शायद थे चावल भी लेके आए हैं, चावल भी रखे जाते हैं इसमें, मैं बताना भूल गया आपको। और फिर चावल भी खिलाते हैं इनको, ये कुछ इस तरीके से हम चावल खिलाएंगे पहले। एंड चावल खिलाने के बाद अब हम उनके सिंगों पे तेल लगाएंगे, है ना। तो यही सबसे डेंजर काम होता है आज के दिन, क्योंकि ये मारने भी आते हैं। आप देख सकते हैं वो लगाने भी नहीं दे रहे हैं अपने सिंगों पे तेल, है ना। तो अभी तो यार ये भी बचा हुआ है, और वैसे हमारे बैल ना मारने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन बताया जाता है कि आज के दिन सभी बैल गाय जो होते हैं वो मारने आते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा यार है ना डरना भी पड़ता है। ये देखो आप कैसे आ रहे हैं मारने और फिर ये भी है हमारा एक बछड़ा और कुछ इस तरीके के बाद उसके बाद छिड़का जाता है इन पे पानी सबसे लास्ट में, है ना। तो हो सकता है कि उत्तराखंड के कई जगह ये जो काम किया जाता है, ये जो प्रथा निभाई जाती है, उसका कुछ अलग रीति रिवाज होगा। सबसे पहले शायद वो कुछ और तरीके से करते होंगे, और हम जैसे इसमें रखते हैं चावल रखते हैं पिंडा रखते हैं और फिटाई रखते हैं तेल रखते हैं चावल रखते हैं, इसके अलावा वो और भी कुछ इसमें रख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ये काम अलग अलग तरीक़ों से रीति रिवाजों के हिसाब से किया जाता है। जैसे उत्तराखंड की संस्कृति हर जगह अलग है ना, जैसे कुमाऊं वालों की अलग है, गढ़वाल वालों की अलग है, तो ठीक इसी प्रकार से शायद कुमाऊं वाले इस काम को करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे। हालांकि हमारे गढ़वाल में कुछ इसी तरीके से किया जाता है। और इसके बाद फिर हम जाएंगे घर, और आज ही के दिन बांटे जाते हैं गाँव में पकौड़े, तो मैं इसके बाद जाऊँगा गाँव में पकौड़े बांटने, है ना। तो सबसे पहले इनके सिंगों पर तेल लगा के और इन पे पानी छिड़क के हम जाएंगे सीधे घर, और ये साथ में दादी भी जा रही है ऊपर। और ये देख रहे हो ये पिटाई भी नहीं लगाने दे रहा है और कुछ दोस्तों ये थी आज की कहानी, है ना, जो कि उत्तराखंड का एक रीति रिवाज था कि यार दिवाली के दिन ऐसे खिलाया।